आज हम लोग क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट करेंगे टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। सबसे पहले समझते हैं दो चीजें कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस और उसकी पोलैरिटी बताती है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर करंट को मीजर नहीं करता है, ये केवल करंट की प्रेजेंस को बताता है और उसकी पोलैरिटी बताता है। दूसरी बात हम इसकी फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट है कि वन डिवीजन में ये कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो आइए मैं आपको पहले लैब फाइल में दिखाता हूँ, आपके पास एक्सपेरिमेंट है, देखिए। टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? मीन आपको गैल्वेनोमीटर में कुछ रेजिस्टेंस लगाना होगा जिससे एक डिफ्लेक्शन आएगा, फिर इसका आधा डिफ्लेक्शन लेंगे। आइए मैं सीधा आपको सेटअप की तरफ ले चलता हूँ। ये कुछ सेटअप है, सबसे पहले आप ये देखिए हाफ डिफ्लेक्शन को कनेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास एक सेल होगा, सेल का एक एंड मीन पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर एक की K1 से कनेक्ट होगी और ये की स्विच के या सेल के निगेटिव एंड से कनेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे जिसको शंट कहते हैं। ये शंट होता है, शंटिंग गैल्वेनोमीटर आप समझते हैं, जो गैल्वेनोमीटर के हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, और एक की K2 लगाते हैं। आइए मैं इसको कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है जिसको मैं सेल बोलता हूँ। रेड कलर आपको पता है पॉजिटिव होता है, ब्लैक कलर निगेटिव होता है। देखिए सेल का पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड मैंने गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट कर दिया, इसको आप निगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं। ये देखिए गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड मैंने की K1 से ऑन किया और की K1 का दूसरा एंड सेल के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। अब एक मैंने लो रेजिस्टेंस वायर लिया जिसको मैं रेजिस्टेंस बॉक्स बोलता हूँ। ये वाला जो था अपना रेजिस्टेंस बॉक्स जो पहले, ये हायर रेंज का है। देखिए इसकी रेंज 1 से लेके 10,000 ओम तक है। ये देखिए रेंज 1 ओम से 10,000। दूसरा आपको रेजिस्टेंस बॉक्स जो लेना होगा वो कम रेंज का रेजिस्टेंस बॉक्स लेना होगा। कम रेंज का रेजिस्टेंस बॉक्स हमने ये लिया, इसको शंट बोलते हैं। इसकी रेंज फ्रॉम 1 ओम टू 500 ओम है। तो 10,000 की कंपेयरिंग में 500 ओम तो बहुत ही कम होगा, और ये एक की K2 लगा दी। तो ये रहे अपने कनेक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हाफ डिफ्लेक्शन हम यूज करेंगे। तो आइए वर्किंग पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी इल्यूमिनेटर में एक कुछ वोल्टेज सेटअप किया, कनेक्शन चेक करें। ये अपनी स्विच K1 है, ये K2 है। अभी आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करने से पहले K2 को ऑफ कर देना है सबसे पहले, और K1 को ऑन करना है। ये देखो इस पे देखो, ये K1 है, K1 को आपको ऑन करना है, K2 ऑफ रखना है। जब K2 ऑफ रखोगे तो इतना सेटअप ये सर्किट से बाहर होगा। हम ये बात हाफ डिफ्लेक्शन की कर रहे हैं कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। होगा क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे, डिफ्लेक्शन काउंट करेंगे थीटा, फिर कुछ ना कुछ शंट ऐड करेंगे, उससे डिफ्लेक्शन काउंट करेंगे θ/2, फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे Rs/R-S। तो सपोज करो थीटा मुझे चाहिए। अब एक टेक्निक होती है, थीटा से θ/2 करना है तो आपको डिफ्लेक्शन इवन नंबर में यहाँ लेना है, ताकि जो θ/2 आए वो आपको कंप्लीट नंबर में मिल जाए। सपोज करो मुझे थीटा चाहिए 28, 24, 22 या 20 कुछ भी, तो θ/2 कितना आएगा 14, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 10। तो यही वैल्यूज हमें निकालनी है। अब मान लो मुझे थीटा 28 चाहिए, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले K2 ऑफ रखना है, ध्यान से समझना, K2 को ऑफ करना है, K1 ऑन करना है। इस पे सेल से बैटरी इल्यूमिनेटर को ऑन करने से पहले इससे कुछ रेजिस्टेंस हटा लो, इन्फिनिटी का रेजिस्टेंस आपको हटा लेना है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो
तो इसमें इतनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी कि ये हो सकता है वायर अंदर से खराब हो जाए। 2 वोल्ट का मैंने ऑन किया, देखिए अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंक्लूड कर रखा है। अब आपको क्या करना है, मान लो मैंने 5000 का रेजिस्टेंस हटाया, इन्फिनिटी इस पे लगा दिया, ये देखिए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आपको दिख लेने का, बड़े प्रॉपर तरीके से देखना गैल्वेनोमीटर में ये डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। मुझे क्या करना है, इसे कितने पे लाना है, 28 पे लाना है, तो मैं इससे और रेजिस्टेंस हटाना शुरू करूँगा। ये देखो इधर रेजिस्टेंस बॉक्स में आप लोग देखिए, मैंने 2000 का हटाया, ये कुछ ऊपर आया, और 2000 का हटाया, ये कुछ ऊपर आया, ये देखो 28 हो गया। ये 28 ओम इस रेजिस्टेंस बॉक्स पे मिला, ये नॉन रेजिस्टेंस है। तो R की वैल्यू हो गई हमारे पास 5000 + 2000 + 2000, R कितना हो गया, टोटल 9000 अपना इंक्लूड हो गया। तो R की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 9000। इतनी बात आप समझिए, 28 रेजिस्टेंस कितना अपने पास निकला, 9000 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अभी अपने शंट को हमने इंक्लूड नहीं किया, अब थीटा बाई टू चाहिए मुझे, 14 मीन डिफ्लेक्शन 14 चाहिए। मैं K2 ऑन करूंगा, पूरा सेटअप एज इट इज रखूंगा, शंट से कुछ रेजिस्टेंस निकालूंगा जब तक डिफ्लेक्शन 14 ओम का नहीं आ जाता। तो आइए देखते हैं दोबारा से, अब एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट शुरू होता है। मैंने K2 ऑन किया तो ये डिफ्लेक्शन देखो गैल्वेनोमीटर में 0 पहुंच गई, पूरा वाला सेट ऐसा ही रखना है। अब हमें इस शंट का रेजिस्टेंस लगाना है क्योंकि सर्किट में ये चीज इंक्लूड हो गई। यहां से हटाता हूं, सपोज करो मैंने 200 का निकाला, तो ये देखो ये 15 पहुंच गया, देखो 10 + 1 = 16 है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 14 का। तो मैं क्या करता हूँ, 200 का लगा के 100 का निकालने की कोशिश करता हूँ, अब ये 15 के आसपास आइए, और 50 निकालता हूँ, तो ये देखो 10, ये एग्जैक्ट 14 पे वैल्यू पहुँच गई, 14 की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अब हमने देखा शंट पे कितना निकला, 100 और 50, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 150 ओम। अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू आप ले लेंगे 9000 ओम, S की वैल्यू ले लेंगे 150 ओम, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे G इक्वल 9000 × 150 / 9000 - 150, सॉल्व कर लेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ऐसे ही आप प्रोसेस रिपीट करेंगे, 14 और मीन 24 और 20 लेंगे, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका पार्ट टू निकालेंगे कि हम फिगर ऑफ मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस 1 डिवीजन पे हमको कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा। देखो फिगर ऑफ मेरिट का अगर मैं डायग्राम देख पा रहा हूं, तो डायग्राम में सेल का पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंस बॉक्स से, रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर से या स्विच से, इसका मतलब जो पिछले डायग्राम में शंटिंग थी उसे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच को हटा दूंगा, इस स्विच को हटा दिया, बाकी सेटअप एज इट इज कर लिया। ये देखो बाकी सेटअप एज इट इज कर लिया, अब ये मेरा फिगर ऑफ मेरिट के लिए काम कर जाएगा, क्योंकि जब मैंने K2 ऑफ कर दिया, ये चीज K2 मैंने ऑफ कर दिया तो ये चीज हट गई, इस पर सर्किट ही नहीं जा रही तो ब्रेक हो गया, तो ये आपको फिगर ऑफ मेरिट का काम कर जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स, EMF, रेजिस्टेंस, थीटा, के इक्वल आपको फॉर्मूला याद रखना है E/R + G × थीटा। देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल हैं, आपने एक सेल लिया, कितने वोल्ट का EMF लगाया, 2 वोल्ट का आपने EMF लगाया है, आपको थीटा चाहिए। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको एक टेक्निक समझा सकता हूँ कि पुरानी वाली रीडिंग का भी यूज करके आप काम कर सकते हैं। वहां से थीटा आया था, आर आया था, वो थीटा और आर दोनों आप इस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको दोबारा से रीडिंग लेनी है।
मान लो मुझे थीटा कुछ चाहिए, तो आइए देखते हैं। थीटा सपोज करो मुझे 28 ही चाहिए था। मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो पहले इन्फिनिटी का इंक्लूड करता हूँ, सेम प्रोसेस है, स्विच ऑन करता हूँ। अब सपोज करो मैंने 5000 का निकाला, इसको ऐड किया, ये आया, फिर 2000 का निकाला, फिर 2000 का निकाला, ये 28 आ गया। आर कितना इंक्लूड कर लिया हमने, 9000 इंक्लूड किया। थीटा 28 डिवीजन है, आर 9000 है, के इक्वल ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा। जी क्या होगा, जो अभी आपने हाफ डिफ्लेक्शन से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाला है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे के वन आ जाएगा। इन द सेम वे सेल आप एक रखो, मान लो ईएमएफ मैं इंक्रीज करके 4 वोल्ट कर दूँ, थीटा कुछ चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ करोगे, प्रोसेस रिपीट करोगे, के वन के टू के थ्री इनका मीन निकाल लोगे, दैट विल बी योर मीन रेजिस्टेंस। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, गैल्वेनोमीटर से मीन रेजिस्टेंस निकाल लिया और गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट कर ली। इसके बाद आपको रिटर्न प्रोसेस पता है, एम रिक्वायरमेंट थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस टेबल बनाओगे, दो वैल्यूज निकलेंगी, प्रिकॉशन सोर्सेज ऑफ डेटा। इतना करोगे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा सब कुछ।